कुत्ता जी कहाँ जा रही है आबो, अरे आबो तो कहाँ जा रही जानवर, बात तो कहा अपनी कम से कम, कहा दिक्कत है कुछ। अच्छा ये बताओ कर लड़का बच्चा पालो रातों में रखवाली और रखवाली में जाते ना क्या करता है दिनों में करा दिनों में करा और जो गेहूं और राशन फ्री मिल रहा है घी लड़का होता है 5 किलो कुछ ना भी और कपास की लड़का हो गैस सिलेंडर फ्री मिलो आप गैस सिलेंडर वो तो बल्ला हो तो आई चिल्ला उन्हें पैदा कार आप एक बनवो चाहिए क्या नाम है हमारा नाम चंदन है चंदन यहीं रहने वाले हाँ तो किसको सरकार बनाएंगे है? हम पानी खुद बनाएंगे आपकी सरकार तुम करी में गोरू ढीने फिर कौन है इनकी व्यवस्था कौन करेगा खेत में जो फ्री में राशन दे रहे उसके ऊपर एक उन्होंने फोटो छपवाई है उसका 25 रुपए प्रिंटिंग का खर्चा आ रहा है ये किसान पर धरा जा रहा है हमारे लिए आज यूरिया में हम लाइन पे खड़े हैं डीपी के लिए हम लाइन में रहे हैं आधार कार्ड के लिए हम बैंकों में लाइन में लग रहे हैं मोबाइल नंबर लगने के लिए हम लाइन में लग रहे हैं हम किसानों को गरीबों को उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया। नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं समाज की नजर दिनेश श्रीवास्तव के साथ। विधानसभा तेरवा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हरईपुर के एक गाँव में हम खड़े हैं जिसका नाम है नयापुरवा। यहाँ ज्यादातर दलित बस्ती है। आइए यहाँ हम नब्ज टटोलने का प्रयास करते हैं। क्या दलित आज भी बसपा के साथ है या योगी जी के घी चना नमक के साथ चला जाएगा? इसको टटोलने के लिए हमने यहाँ जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास किया है। क्या दलित समाज आज भी बसपा के साथ जाएगा या घी नमक चना के साथ चला जाएगा? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बादाम सिंह। बादाम सिंह जी कहाँ रहते हैं? नयापुरवा। हम एक क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं, क्या दलित वोट आज भी बसपा के साथ है? जी बसपा के साथ। और ये घी जो बांटा है योगी ने, घी बांटा है, चना दिए हैं, फिर राशन दिया है, इसका क्या है? ये सब अपने अपने ले हुए है। अच्छा अच्छा एक मिनट बहन जी एक मिनट क्या बताना चाहते हैं आप बताइए, क्या नाम है? सुनीता। सुनीता जी आपको राशन मिला? राशन मिला। तो क्या आप बसपा को वोट करेंगी या बीजेपी को देंगी या बीजेपी? नहीं वो मैं का बांटो का है वो का मैं फिर हमारे गोरु खाई रही है गन्ना जो पानी खाए जा रही तेल दे दो मक्का डालडा दे रिफाइंड दे दे और का हमें तो कुछ अच्छा ना इनको के कुछ हिसाब किताब कुछ अच्छा नहीं लगा ना मतलब आवारा जानवर जो है फसलें खा रहे हैं हम सबको तंग है पर अरे भैया ट्रैक्टर वाले कहाँ ये कटाई करके कहाँ दे रहे हैं क्या नाम है? चंद कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? अड्डा पूर्वक सर ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है सबसे पहला क्वेश्चन? अखिलेश की बीजेपी तो फ्री में राशन बांट रही है भैया सांड के दोनों ढिलो है गेहूं देखो जरा पोजीशन नानी चोद दे ये बताओ सांड कहाँ ले जाए बताओ किसान आदमी मरी गो है बहन चोद सब कुछ बांटे वो तो ठीक है लेकिन ये बताओ सांड कहाँ जाए क्या बारे में बताओ जी होगा नहीं तो पांच वर्ष क्या होगा? क्या नाम है? विनय कुमार कहाँ के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले। तो क्या सोचते हैं आने वाले 2022 में किसको वोट करेंगे आप? अभी कोई क्लियर नहीं किसको वोट करते हैं लेकिन फिर भी हाँ फिर भी सोचते तो यही है कि ये अगर साल बंद किए जाए तो हो सकता है पब्लिक मुड़ जाए बीजेपी की तरफ वरना बीजेपी की तरफ पब्लिक मुड़ने वाली नहीं है। क्या बसपा को वोट करें? बिल्कुल अच्छा मजबूरी सामने क्या करें फिर कुल मिलाकर आने वाले 2022 में जो बीजेपी के द्वारा फ्री राशन वितरण किया जा रहा है इसका असर कुछ नहीं पड़ेगा? असर खूब पड़ रहा है 5 किलो महीने में 1 मिनट पर दिया जा रहा है और 5 किलो यूनिट के बजाय हमारा 50 किलो खेत से जा रहा है तो मेरा कैसे क्या गुजारा होगा? ये बंद कर दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है साल बंद कर दे 5 किलो बंद कर दे मुझे कोई हेडक नहीं है। कुल मिलाकर आवारा जानवरों से निजात मिले बस हम रात में खेत में नहीं सो पाते घर में भी नहीं सो पाते और इतना महंगा यूरिया डीएपी तेल किए हुए है कितना खेती में एक बीघा में कितना लगा जाता है और 1 क्विंटल गेहूं नहीं होता है बताओ कहां से लाए 5 किलो दे दिया क्या गुमराह करने की बात तो है ही क्या है ये? कुल मिलाकर बीजेपी पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं बिल्कुल 5 किलो पर ऐसा अधिकारी भी एहसान कर रहा है कि हमको तेल दे रहे हैं राशन दे रहे हैं गलत इसी एहसान पर जबरदस्ती वोट लेना चाहती है। सुनो भैया दद्दा की बात सुनो फिर भैया ये युवा खड़े हैं इनकी बात सुनो ये भैया क्या नाम है भैया? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी क्या 2022 में फिर बीजेपी देखना चाहेंगे? नहीं समाजवादी अखिलेश खेरा अखिलेश खेरा अखिलेश यादव
उनके कार्यकाल अच्छे हैं, युवाओं के लिए अच्छा, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने इंजीनियर कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हाईवे और ठटिया में हमारे लिए मंडी बनवाई थी, जिसमें आज हमारा आलू बिक रहा होता। योगी आदित्य जी ने हमारी मंडी उठा के गोरखपुर में निर्माण कराई है, जो हमारे ठटिया मैया जो परफ्यूम पार्क बनने जा रहा था उसको योगी आदित्यनाथ जी ने बंद करके और गोरखपुर में पार्क बनवा रहे, ताकि हमारे खेतों की फसल मारी जाए। और जो आवारा सांड यहाँ ढेर रखे हैं, जो फ्री में राशन दे रहे हैं, उसके ऊपर एक उन्होंने फोटो छपवाई है, उसका 25 रुपये प्रिंटिंग का खर्चा आ रहा है, ये किसान पर धरा जा रहा है। हमारे लिए आज यूरिया में हम लाइन पे खड़े हैं, डीपी के लिए हम लाइन में रहे हैं, आधार कार्ड के लिए हम बैंकों में लाइन में लग रहे हैं, मोबाइल नंबर लगने के लिए हम लाइन में लग रहे हैं। हम किसानों को, गरीबों को उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया है। तो सर सपा है क्यों, बसपा क्यों? बसपा के लिए एक चीज है कि बसपा के साथ दलित वोट के अलावा कोई दूसरा वोट बैंक नहीं, बसपा के पास दलित के अलावा दूसरा नहीं, दूसरा वोट बैंक है ही नहीं जी। क्योंकि और समाजवादी पार्टी के साथ में अन्य पार्टियों का भी समर्थन है, ओम प्रकाश राजभर का समर्थन है, और जो चाचा का भी अब तो समर्थन मिल रहा है, और आरजेडी का भी समर्थन। आपका कहने का मतलब है कि सपा को इसलिए वोट कर रहे हैं कि अन्य पार्टियां, जो पार्टियां हैं वो सपा का समर्थन कर रही, सपा सरकार बना लेगी, लेकिन बसपा नहीं, यही कहना है? बसपा जी नहीं बना पा रही, बसपा सरकार नहीं बना पा रही है। अच्छा दद्दा खड़े हैं नयापुरवा के रहने वाले, दद्दा क्या नाम है? राजवादी। अच्छा दद्दा ये कह रहे सपा का वोट है और बसपा नहीं सरकार बना पाएगी? आई तो नहीं है, ऐसा नहीं है, आई तो नहीं है। हाँ बसपा का है वोट, बसपा का वोट है, झेंक कह रहे, झेंक के वोट है। हाँ कुल मिला के बसपा झेंक के वोट है। और दद्दा जैसा कह रहे नया पूर्व में खड़े, क्या दलित समाज आज भी बसपा के साथ है? हाँ है, अपना गांव है टोटल। हाँ अपनों गांव हमारा टोटल है, टोटल कहूँ एक वोट नहीं चाहिए दद्दा। हाँ बसपा का टोटल टोटल गाँव टोटल वोट बसपा में ही जाएगा। अच्छा अच्छा भैया ये तो कह रहे बसपा में वोट दिए जी, इनका गांव दलित समाज से जुड़ा हुआ है और हाँ। टोटल एससी हैं हाँ। इस गांव की हम बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ। हम ये कहते हैं जो इस बूथ का बूथ है, इस बूथ पर ये बूथ अपना जिताएं और फिर हम बाद में देखते हैं कि किस भैया नयापुर के लोग तो कह रहे हैं बसपा में वोट दे रहे हैं, या समझ लो सब सब सपा वाले और हैं, सब सपा वाले हैं, सपा का वोट है यहाँ। ये काहे डर से बोल रहे का? वो डर से कोई नहीं बोल रहा, सब सपा का वोट और है टोटल। हाँ अच्छा अपने अड्डा पूर्वम कितना वोट है? सब सपा को। यादव यादव है? हाँ यादव है, यादव है भैया, बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। यादव जी भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं और दलित भाई भी हैं, ये तीनों लोग अपने अपनी बात कह रहे हैं। भैया सपा को कह रहे हैं, आप भी सपा कह रहे हैं जी भैया, लेकिन भैया आप कह रहे हैं बसपा, बहन जी की, बहन जी, बहन जी की सरकार देखना चाहते हैं जी। हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, बहन जी की सरकार ने क्या दिया? बहन जी की सरकार ने हर कुछ दिया, गरीब आदमी को सम्मान दिया, गरीब आदमी को हर तरह से लाभ मिलती है, और न सपा में और न भाजपा में हर छोटा आदमी सब परेशान रहता है हर किसी का। ये तो कह रहे हैं हमने 100 नंबर दी, हमने 100 नंबर दी, हमने 100 नंबर दी, राशन हमने चालू किया, और जो है 100 के अलावा जो 102 नंबर 108 नंबर ये गाड़ियां हमने चालू की, हमने तरवा में मेडिकल कॉलेज दिया। कार्यकर्ता हैं जी? अच्छा अच्छा हैं, बहुत प्रभारी हैं जी। अच्छा, और हमने विदई बरुआ में इंजीनियर कॉलेज दिया, जनखत में आईटीआई दी जी। और बीजेपी के और बसपा के कार्यकर्ता ये हमें बताएं कि कन्नौज जिले में क्या इन्होंने दिया? आप कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता ना है भैया, ये पब्लिक से जी ने सब कुछ दिया। अगर बहन जी सत्ता में ना आई होती हाँ। तो ये ना पैरा मेडिकल आता, ना कनम तहसील आती, ना जिला आता, ये बहन जी की देना। जो भैया भैया बंद कर लो, बंद कर लो, ये तो सब ये लोग कह रहे हैं हम सपा में नहीं बसपा में नहीं, आप बताओ किसकी सरकार बनी? एक मिनट, अरे फिर भी ये भैया मोटरसाइकिल वाले हैं, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? हमारा तस्लीम नाम है, चिलधर रहने वाले। अच्छा अच्छा, तो किसकी सरकार बनाएंगे? जी की बनी होगी, बड़े बने हम ना भैया बताएंगे। अरे वाह भैया, आओ फिर आप एक जरूरत है, सरकार आप एक बनवो चाहिए। क्या नाम है? हमारा नाम चंदन है, चंदन यहाँ के रहने वाले। हाँ तो किसको सरकार बनाएंगे? हम अपनी खुद बनाएंगे। आपकी सरकार तुम गरीब में गोरु ढीने फिर कौन है, इनकी व्यवस्था कौन करेगा खेत में? सबसे बड़ी समस्या है जानवर। हाँ और क्या, बहुत छूटे हैं। अच्छा अच्छा, 40 बीघा गेहूं वो हमारे खाई बेग नहीं दाना है। अच्छा, अच्छा। हाँ सब सांड खाई गए, बहुत छूटे हैं। अच्छा, बहुत छूटे हैं। अच्छा, माता जी कुछ कह रही? एक मिनट अब ले। हाँ हाँ माता जी कुछ कह, उधर के हैं माता जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? नयापुरवा। क्या नाम है? माया देवी। अच्छा किसको वोट करना पसंद करेंगे, किसकी? मायावती को वोट दी। मायावती पक्का? पक्का। मायावती का है दियो? काय मायावती सरकार तो राशन फ्री दे रही, सिलेंडर फ्री, राशन तो फ्री दे दो। अभी देखो गौर छोटे लखों बीघा खेती बर्बाद हो रही, कहां से बतावो ला मैं।
एक दिन 10 किलो गेहूँ दही दे, 10 किलो गेहूँ पल्ले गुजारा हुई जी। भाई साहब 10 किलो गेहूँ दही दे आई आपने, 10 किलो गेहूँ से गुजारा हुई जी? नहीं हुई जी, 10 किलो गेहूँ से गुजारा नहीं होगा। माता जी कहाँ जा रही है वो? अरे आप तो कहाँ जा रही जानवर, बात तो कहो अपनी कम से कम, कहा दिक्कत है? अच्छा ये बताओ कर, लड़का बच्चा पालो रातों में रखवाली कर, रखवाली में जाते ना क्या करता है? दिनों में करा, दिनों में करा। और जो गेहूँ और राशन फ्री मिल रहा है, घी ललका होता है 5 किलो कुछ ना भी। और का 5 किलो ललका हो गैस सिलेंडर फ्री मिलो आप? गैस सिलेंडर वो तो भल्ला हो तो आज ही लाओ ने पैदा। अच्छा अच्छा अच्छा, कुल मिला के ये बहन जी खड़ी हमारी बहन जी 2022 में किसे चुनना चाहेंगी? मायावती को। मायावती को। कुल मिलाकर जो बात आ रही है समझ में वो यही आ रही है कि दलित समाज आज भी मायावती की ओर रुझान रखता है, और मुस्लिम और यादव की अगर बात करते हैं तो हमारे साथ जैसा कि भैया खड़े हैं, आज भी सपा को यानी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं।